हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, एवरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में जो एक अनुमानित कट ऑफ हो सकती है यूपीपीएससी 2023 की, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने अपनी ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो भी आपके नंबर वगैरह बन रहे हैं, जो भी नेट क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो मिला लिया होगा, और भी आपने तमाम चैनल्स जितने भी हैं आपने उनका देखा होगा, सुना होगा लगातार 3-4 दिन से जब से एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद से लगातार स्पेकुलेशन जारी है कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या नहीं है। बहुत से लोगों के जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी उसके पहले 95, 100, 120, 130, 140, 150 में से बन रहे थे, आपने देखा होगा। लेकिन जब से कल से ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद से 90 वाला 85 पे आ गया है, 85 वाला 80 पे आ गया है, जिसके 100 बन रहे थे वो 95 पे आ गया है। एक्चुअली में जो लोग ऑफिशियल आंसर की आने के पहले 120 सही बता रहे थे, नेट में 125 सही बता रहे थे, वो एक्चुअली होता क्या है ना, बहुत से लोग का ये भी होता है कि अभी हाल में से 2-3 महीने पहले तैयारी शुरू की है, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कैसे क्या कैलकुलेट करना है, क्या निगेटिव हटाना है, कितने का कैसे क्या है, एंड उनको लगता है कि अगर उन्होंने 150 क्वेश्चंस में से 135 अटैम्प्ट किए तो उनके सारे सही हैं, सारे सही हैं, मतलब वो मिलाने में जरूरी नहीं सकते समझते, उन्हें लगता है कि नहीं यार, मैंने जो अटैम्प्ट किया है वो तो सही है, मैंने तो पढ़ा है, तो वो कोई बात नहीं, वो होता है, वो सबके साथ होता है जब इनिशियल फेज़ होती है, तो वो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लग रहा होता है मेरा हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं होता है, तो एक झटका लगता है। सो जिन लोगों ने अब ऑफिशियल आंसर की बात मिला लिया होगा उनको रियलाइज़ हो रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस में कितना डाउट है, एंड 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिसमें एकदम लग रहा है कि अरे ये आयोग ने आंसर की क्यों ही दी है, क्या मतलब है इसका, किसी किसी क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, किसी में कुछ गायब है इंग्लिश हिंदी में, सो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आप देखो कि क्या कट ऑफ जा सकती है, तो बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा 90, 91, 92 और 88 और ये सब चीज़ें। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, मेरा जो अनुमान है वो ये है, अगर पोस्ट भर जाती हैं, एक ठीक ठाक पोस्ट भर जाती हैं, तो आप मान के चलिए कि जो 85 नंबर जिसके आ रहे हैं, मतलब 85 नेट क्वेश्चंस जिसके सही हो रहे हैं, वो सेफ़ है। 85 और 85 प्लस, मतलब फिजिक्स 86 है, 87, 88 है, तो वो सेफ़ है। 85 वाला भी तैयारी करे वो बॉर्डर लाइन पर जरूर है, लेकिन वो सेफ़ है, मतलब उसका हो जाएगा, मोर देन 90% चांसेस यही है। हाँ, 85 से कम वाले का थोड़ा रिस्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात वही है कि देखो 85 से ऊपर वाले भी सेफ हैं, जैसे 87 किसी का बन रहा है, 86 बन रहा है, तो वो सेफ है। लेकिन अब 3-4 क्वेश्चन जो जिसमें डाउट है, जो डिलीट हो सकते हैं या जिसमें थोड़ा सा डाउट चल रहा है, अगर वो आपके हट गए, जैसे आपने अगर वो अटैम्प्ट कर रखा है वो आपके हट गए, या उसमें से नंबर कुछ कम ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है आप भी निपट जाएं। सो ये सब चीज़ें हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि डाइसी नहीं है, बट अगर इन सब क्वेश्चंस में डाउट नहीं है, इन सबको आपने नेगेटिव मान लिया, या आपने ये मान लिया कि आयोग हटा भी देगा या मेरे गलत भी हो जाएंगे, तब भी मेरे 85 बन रहे हैं, तो आप आँख बंद करके पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी जैसा मुझे लगता है। अब दूसरी बात ये भी है कि अब आप एक बात समझ के देखो, अगर मान लो आपके 84 बन रहे हैं, लेकिन अगर आपको अगले साल अटैम्प्ट देना है, इस बार भी देना है या अगले साल भी देना है, और आप 84 में मान लो आपका हो गया, तो आप एक महीने बाद क्या करोगे अगर आपने पढ़ाई अभी से स्टार्ट नहीं की होगी, और सपोज़ आपका इस बार 84 में नहीं भी होता है लेकिन आपके 84 ही बन रहे थे और आपको अगले साल अटैम्प्ट देना है, आपको मालूम है कि यार अगले साल तो मैं दूंगा या दूंगी, तो फिर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बिकॉज अब वैसा सीन नहीं रह गया है कि आप सिर्फ 2 महीने पहले प्रीलिम्स उठा लो और आपका हो जाए और आपने पहले से मेंस ना पढ़ाओ। अगर आपने मेंस की अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आपको प्रीलिम्स में हेल्प मिलेगी, एंड प्रीलिम्स में भी आप जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं या जो एकदम ही एक्सपेक्टेड होता था कि अरे ये आएगा वो अब कम आ रहे हैं, या आपने भी पेपर देने के बाद देख लिया होगा, रियलाइज़ किया होगा। इसलिए जिसको भी अगले साल देना है उसके अगर 83-84 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो वो अभी डिमोरलाइज ना हो, देखे कि हाँ वो कहाँ पे कम रह गया इंसान, क्या कहाँ पे गलती हुई है जिसको मिनिमाइज़ किया जा सकता था, और अगले साल के लिए अभी से मेंस वेंस ये सब चीज़ें तैयारी कर दो। जैसे जो जिनका क्लियर हो रहा है जैसे वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी तैयारी करो, बिकॉज टाइम बीतते समय नहीं लगेगा, एंड अगले साल फिर आप यहीं पर खड़े होंगे कि अरे यार मेरा मेंस तैयार नहीं है, एंड प्रीलिम्स में बॉर्डर लाइन पे। जिसका मेंस अच्छे से तैयार नहीं है वो हमेशा ही बॉर्डर लाइन पे रहेगा, क्योंकि मेंस पढ़ने से एक बेस पूरा क्लियर हो जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर आपको बस फैक्ट्स को रिटेन करना होता है। सो इसलिए ये सब चीज़ें हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जिनका मेंस क्लियर हो रहा है, जिनका अच्छा खासा नंबर बन रहा है, 86 बन रहा है, 88 बन रहा है, 90 बन रहा है या इसके ऊपर भी बन रहा है, एंड उनको अब ये डाउट आ रहा है कि यार मेंस में किसका प्लान ज्वाइन करें, किसकी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सी ऐसी जो हमें टेस्ट सीरीज अच्छी करा दे, जो हमें प्रैक्टिस अच्छी करा दे, सो इसमें मैं 3-4 जो भी इंस्टीट्यूट हैं या जो भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं मेंस के लिए, एंड मुझे लगता है कि हाँ इनसे करने में आपको फायदा होगा, उनका मैं रिकमेंडेशन आपको दे दूंगा। बाकी आपके ऊपर इट्स अप टू यू, आपकी बुद्धि विवेक पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एनालाइज करते हो चीज़ों को। सो ये एक बेसिक चीज़ है। 82-83 जिसके भी बन रहे हैं अगर उसको अगले साल देना है तो वो लग जाए यार, अगर नहीं देना है तब कोई बात नहीं है, तब फिर आप इसको छोड़ो, एंड जो भी आपके पास फिर और अल्टरनेटिव्स हैं आप उनको देखो। और बाकी जो 85 या 84 वाला है उसके पास बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का समय ही नहीं है, मतलब आपने 2-3 दिन रेस्ट कर लिया, 14 को एग्जाम हुआ था, 15, 16, 17 3 दिन आपके हो गए हैं। अब जिसका भी क्लियर हो रहा है, जिसको भी लग रहा है मेरे 86 बन रहा है, वो आँख बंद करके यहाँ से पढ़ाई करना शुरू कर दे, होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। जिसके 88 ना वो भी थोड़ा सा डाउट में रहेगा, वो एक अनसर्टेनिटी का जो
जो फैक्टर है वो हमेशा रहेगा, ये सिविल सर्विसेज में हमेशा रहता है। प्रीलिम्स मेंस, आप अभी मेंस दे दोगे फिर आपको लगेगा अरे मेरा मेंस में होगा नहीं होगा, इंटरव्यू में फिर आप जाओगे आप कहोगे होगा नहीं होगा, ये अनसर्टेनिटी वाला जो फैक्टर ये हमेशा रहेगा, आपको इससे ओवरकम करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, जब आपको ये ख्याल आए अरे यार मेरे 86 बन रहे हैं 95 बन रहे हैं होगा कि नहीं होगा, वहाँ उस ग्रुप में तो 400 लोग कह रहे थे कि मेरे 90 बन रहे हैं तो ऐसा तो मेरा होगा नहीं, ये इस तरीके की चीज़ें हमेशा होंगी, लेकिन बोलने में और एक्चुअल में होने में बहुत डिफरेंस है। हो सकता है अभी लोग आपसे बोल रहे हो मेरे 90 बन रहे हैं 92 बन रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो और आप 85-86 पे हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, और जो 88 वाला है उसके वो चार क्वेश्चन हट जाए तो वो हो सकता है वो बाहर हो जाए रेस से। सो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आप इन सब चीज़ों को समझोगे एंड थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी आपके माइंड में रहेगी एंड आप पढ़ते रहोगे। लगातार पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ से ज़्यादा, साइड में सब चीज़ें चलती रहेंगी लेकिन पढ़ते रहो क्योंकि मेंस सर पे है। अभी लग रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि इस बार प्रीलिम्स पहले हुआ है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आई होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो।